हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका रविपाल ब्लॉग में। सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 9। हम हो चुके हैं रेडी अपने काम पे जाने के लिए। और यहाँ पे जो है काम वगैरह अभी सभी ऐसे ही पड़ा हुआ है, सभी घर का सारा काम। सिर्फ नाश्ता पानी हुआ है, पापा जी चाचा जी चले गए हैं खेत में। अर्णिका अभी सो के उठी है, मिलवाते हैं आपको अर्णिका से। अर्णिका और वंदना उस साइड में बर्तन वगैरह उठा रही, क्योंकि अभी खाना खाया हमने। अभी हमने किया है नाश्ता, तो इसी वजह से बर्तन उठा के लेके चलते हैं, क्योंकि इन्हें करेंगे साफ किचन में जाकर और फिर करेंगे अपना घर का काम सारा। अभी तो दूध भी रखना है। अरे मैं ये लीची इतनी लाए थे, इतनी खराब निकल रही, इतनी अच्छी निकल रही। और ये है शेर सिंह, हमारे यहाँ पे जो है लेटे हुए है। आओ आओ, चलो खड़े हो जाओ। ओ ये नीचे करो, नीचे रुक जाओ पास। देखो चलो, माम माम करो सबको, सबको माम माम करो। गुड मॉर्निंग इंडिया, माम माम करो, हाथ जोड़ के करो, माम माम करो बेटे। देखो अच्छी बात। अच्छा ना बताओ, नोजी कहाँ है? नोजी ये है नोजी। और तीत कहाँ है? तीत तीत। ईयर कहाँ है आपके? ईयर। कान कहाँ है? कान। और चिक कहाँ है आपके? चिक। गाल। हेयर कहाँ है? हेयर। बाल, ये है बाल। और आईज कहाँ है आपकी? आईज 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 बताओ कहाँ है? आँख कहाँ है? आँख, ये आँख। अच्छे जी, चलो माम माम कर दो अब जा सबको, टाटा बाय बाय। अभी सो के उठाए, ये है आँख, आँख है। तो चलिए जी चलते हैं हम, और ये बनाएंगे अब वीडियो हैं। देखिए गाइस, अभी हम जो मिर्च का अचार है वो बना रहे हैं। मिर्च मैंने काट ली है, अन्य पापा ना बड़ी बड़ी लेकर आए थे। ये देखो, मैंने उसमें से एक मिर्च में से चार चार पीस कर लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी थी ना वो। तो अभी मैंने तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है, तो अभी इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। और इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक। इसे ऐसे ही फ्राई करते रहेंगे, और जब मिर्च का अचार बन के हो जाएगा तैयार, थोड़ा सा 5-4 मिनट में, थोड़ी सी देर में 5 मिनट लगेंगे कम से कम। और ये वाली मिर्च ना चटनी नहीं होती, बस ऐसी हो रहा हल्की फुल्की सी, ज़्यादा नहीं होती। और ये वाला अचार बहुत पसंद है गर्मी हमें सबको। अगर सब्जी बन रही हो ना, हम उसके साथ भी खा रहे हैं। बेटा मैं आना और निका है, क्या कह रहे हैं? गाइस, अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, और मैंने थोड़े से कपड़े धोए थे, उन्हें मैं लेके आई थी छत पे, पहले सुबह फैला के चले गई थी, और अभी उतारने के लिए आई हूँ। ऐसे खाना वाना बन चुका है, और अभी मम्मी भी जो है आने लग रही। हमने फ़ोन किया था घर से कि कब आओगे, कह रहे कि चल रहे 9 बजे की चल रही, तो अभी आ जाएगी। देखते हैं किस टाइम तक आएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना 12 बजे वाला टेम्पो आता है, टेम्पो चलते हैं यहाँ पे, जो मैजिक होती है ना वो चलती है, गाड़ी नहीं चलती। गांव में से शामली तक मैजिक जाती है, और धूप इतनी तेज हो रही बहुत ज़्यादा, कुछ पूछो मत। इतनी गर्मी हो रही, दिन पर दिन इतनी गर्मी बढ़ती जा रही बहुत। तो अभी ऐसा हो रहा कि भगवान बारिश कर दे, बस इतनी गर्मी हो रही। तो मैंने सोचा कि कोई कपड़े हैं जो थोड़े से, उन्हें उतार देती हूँ, एक एक देख के जो सूख रहे होंगे उन्हें ले जाऊँगी, और जो नहीं सूख रहे होंगे उन्हें यहीं पर रहने दूँगी, क्योंकि जो पूरा दिन फैले रहेंगे तो फिर ख़राब हो जाएंगे, कलर फैड हो जाए ना इनका। तो थोड़े से अर्णिका कपड़े हैं, अर्णिका के सैंडल वगैरह मैंने धो दिए हैं, अर्णिका के जो चप्पल वगैरह है ना 2-3 जोड़ी, इसकी छोटी होगी जो मैं पीपी वाली सी मे भी। और अभी हम अर्णिका के लिए लेकर आए हैं चप्पल, आपको दिखाया है पहली वीडियो में, तो मे भी अच्छी लग रही है। एक जोड़ते से सैंडल पहना के ले जाएंगे, बालक जाएंगे हम, और एक जोड़ी इसकी वैसे ले जाएंगे, इसलिए लेकर जाएंगे ना वो सैंडल, तो उसे ट्रेन में पहना लेंगे। और जी
फिर जो चप्पल वगैरह होगी वो वैसी धर्मशाला है ना वहाँ पे रुकते हैं, फिर दोपहर के टाइम भी हो या बच्चा घूमता फिरे तो चप्पल पहना देंगे, कंफर्टेबल रहेगा। और अपने लिए भी चप्पल वप्पल लेके जाते हैं हम वहाँ पे। और अब की बार तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि वहाँ पे मेहंदीपुर बालाजी धाम है ना राजस्थान में, अब बहुत गर्मी होती है। और सर्दियों में भी वहाँ पे हम ठंडे पानी में नहाए थे, वहाँ पे हमें सर्दी नहीं लगी थी, देखो हमने कुछ वीडियो में दिखाया है आपको। और अब की बार तो हम पूरी तैयारी करके जाएंगे अपनी वीडियो बनाने के लेके जाने की, और एडिट करके भी दिखाएंगे आपको कि हम कैसे कैसे वहाँ पे वीडियो शूट करें। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ ना, हम लैपटॉप वगैरह नहीं लेके गए थे और फ़ोन से इतनी एडिट हुई नहीं थी, मेरे साथ नहीं करनी, मैं तो कर भी लूँ थोड़ी बहुत, अन्य वापस से तो वो भी नहीं आती। तो फिर हमने घर आके ही एडिट करी थी, जो हमने दो चार वीडियो बनाई थी, वरना 6-7 दिन तक हमने वीडियो नहीं डाली थी बिल्कुल भी। तो चले गाइस अभी हम कपड़े उतार लेते हैं, इधर कपड़े फैले हुए हैं थोड़े से, ऐसे कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं रोज़ की रोज़ बहुत ज़्यादा। तो अभी बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक, जब मम्मी आएगी उनसे मिलाएंगे आपको। देखिए गाइस अभी शाम का टाइम हो चुका है, 6 बज चुके हैं। आज मम्मी आ गई थी 12 बजे से, उसके बाद फिर हम खाना वाना खाने के बाद, खाना मैंने तैयार कर रखा था तो खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर लेट गए। मम्मी कह रही थी मैं थकी हुई आराम करूँ, बोल रही तू भी तो आराम कर ले। तो चले गाइस अभी चलते हैं दूसरे वाले कमरे में। मम्मी जो है अपना थोड़ा सा सामान जो है वो लगा रही है, बैग वैग था वो निकाल के रख रही। और अभी मम्मी से मिलवा देते हैं आपको, क्योंकि जो मायके वालों ने अभी कपड़े वगैरह दिए हैं 15 दिन में मिलेंगे कम से कम मम्मी से। हाँ 13 दिन हो गए आज मम्मी, 13 दिन हो गए। हाँ तो अभी हम आपको दिखा देते हैं कि मम्मी के मायके वालों ने क्या क्या गिफ्ट दिया है मम्मी को, क्योंकि मम्मी फिर इन्हें संदूक में लगाएगी ना, तो कह रही कि देख लूँ अभी इन्हें बैग में से निकाल लिया मम्मी ने। तो अभी मम्मी दिखाएगी सूट जो जो दिए है, बता दियो किस किस ने दिए हैं। ये अच्छा ये मम्मी ने दिए, जो नानी जी है ना उन्होंने दिए मम्मी को दो सूट। माई करते हैं वैसे, हाँ। मम्मी नहीं बोलते, हाँ, पहले तो माई बोल लेते। हाँ, ये दो सूट नानी जी ने दिए मम्मी को। हाँ। और दो पैंट शर्ट, एक या पैंट कुर्ते। हाँ। इसके पापा कुर्ता पजामा। अच्छा मान दिए। हाँ। और जो ये सूट साड़ी बड़ी भाभी ने दी। अच्छा ये बड़े वाली मम्मी जी ने दिए। एक बहू ने दिए होगा, एक उन्होंने। हाँ एक बहू ने। हाँ ये वाले ये पैंट कुर्ते सेट दो उन्होंने दी, बड़े वाले ने। हाँ हाँ मैं कहती रही मम्मी मम्मा का इतना सारा ले आई तो कह रहे कि जबरदस्ती दे जाओ। मैं तो कढ़ाने लग रही बैग में, तो मगा चल रहे अंदर जोड़ा दे दो तो हम दोनों दे, और फिर उन्होंने जबरदस्ती करके काफी दिनों बाद चलो कोई बात नहीं ले जा। एक ये जो छोटे वाली भाभी है उन्होंने दी एक साड़ी पैंट शर्ट। हाँ। और मम्मी ले दो चुन्नी। अच्छा ये दो चुन्नी लेकर आई है मम्मी मेरे लिए, और मैंने मम्मी के लिए लेकर रख रखी ये वाली। क्या जी इत्तफाक ही है। हाँ। मैं तो इसके लिए लाई दो चुन्नी। हाँ मम्मी इन्हें लेकर रख दी मेरे लिए, ये मैंने मम्मी के लिए लेकर रख ली। चाचा जी बेचा गाँव में ही। हाँ। तो एक दिन दिख गए मुझे, मैंने इसके पापा को बोला कि चलो मम्मी के लिए चुन्नी ले लो, और फिर ये बुला के लेके आए, मैंने दो ली, चलो मम्मी ले लेगी। मम्मी ओढ़ लेकर के हल्की हल्की सी है ना ये दुपट्टे, ये देखो इतने खोल के दिखाए मम्मी, येलो सा येलो वाला पीला सा। हाँ ये वाला बड़ा, ये अच्छा लग रहा वैसे बहुत, कलर भी दोनों अच्छे लग रहे। और मैंने तो वैसे लिए दुपट्टे से, ये मम्मी सूती लेकर आई कॉटन में है, तो ये भी बढ़िया जैसे मैं ओढ़ दूँ। हाँ अच्छे लग रहे दुपट्टे, ये देखो अच्छे लग रहे बढ़िया। हाँ रेड वाला भी और जियो भी, एक रेड वाला ये है, मैंने भी एक रेड ले रखा, एक ग्रे सा, मुझे ग्रे अच्छा लगा था, ग्रे आज तक मैं कहीं उड़ा नहीं दुपट्टा वैसी गर्मियों में। हाँ अच्छा अच्छी लग रही। अच्छा हाँ चलो बढ़िया बढ़िया लग रही, क्योंकि बाल जाएंगे ना ओढ़ के चले जाएंगे, वैसे घर में ओढ़ने को तो बहुत सारी है, क्योंकि वहाँ पे वैसे तो दुपट्टे जाएंगे ना मम्मी सुन चुन्नी के साथ वाले सूट के साथ वाले, लेकिन फिर भी ये गर्मी में ओढ़ने पड़ेंगे, याद आओगे वहाँ से मुँह माँ पोछना। हाँ बच्चे के साथ 100 रुपये भी उड़ा लो चाहे, अभी रेशम सी के उड़न जाने के इतने। हाँ वैसे तो सुनी चुन्नी तो जितने सूट जाएंगे इतनी चुन्नी जाएगी। तो चलिए जी अभी नहीं संदूक में रख देते हैं पैक करके सभी को, और फिर हम खाने की करते हैं तैयारी है बच्चे खेलने के लिए। और ये देखो अनिका का मन लग गया इनके साथ में, सो के उठी थी अभी है, और थोड़ी देर के लिए नीचे गई, कपड़े वपड़े चेंज किए मैंने इसके, और अभी गुड्डू के साथ आ गई, बाई के साथ आ गई।
अब बस इन्हें देखो जागी बैठी अन्ने वाले देखियो कैसे खुश हो रही ना देख ठीक है देख के बस ये देखो आप भी खेल लो अन्निका भैया के साथ अन्निका के भैया कहाँ पहले ब्लू कलर का और फिर ग्रीन और फिर येलो फिर ऑरेंज फिर रेड मंगलसूत्र काट दे मन्ना काटू भी थी मैं पर मां लगनी रोन लगी